ये बात है, ये दौर मेरे लिए एकदम सही है। क्या कहा? मैं स्टोन एज की बात कर रहा हूँ, लाखों साल पहले जब इंसान बंदरों की तरह जीते थे तब की। बंदर नहीं, उनका कल्चर बहुत एडवांस था। जो भी हो, उनको यहाँ की सुविधाओं के बारे में नहीं पता था, जैसे कि बिजली और मोबाइल। वैसे तुम सही कह रहे हो। तो ठीक है, वहाँ जाकर उन्हें मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। जैसे कि ये देखो, मैच बॉक्स। उस दौर में आग जलाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, क्यों ना मैं उन्हें माचिस से आग जलाना सिखाऊं? बेवलक देख कर चौंक जाएंगे। रात के समय बहुत अंधेरा होता है, जानवर उनके पास आएंगे और तब मैं चौंक चौंक करके उन्हें भगा दूंगा। जानवर भाग जाएंगे और सब मुझ पर खुश हो जाएंगे। और अगर मैं रेडियो से उन्हें गाना सुनाऊंगा तो वो इसे किसी तरह का जादू समझेंगे और मुझे अपना राजा बना देंगे। देखना डोरेमोन, मेरा ये वाला आइडिया बहुत अच्छे से काम करेगा। मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। तुम्हें मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनका राजा बनके ही दिखाऊंगा। बाय। मुझे लगता है उस समय राजा जैसा कुछ नहीं था। वो अकेले जा रहा है। अच्छा, शायद 50,000 साल पीछे ठीक रहेगा। ये स्टोन एज है, ये मेरी दुनिया है। इस दौर के इंसानों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये लोग एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह है जिन्हें कुछ नहीं पता। मैं ही उन्हें अलग अलग चीजों के बारे में बताऊंगा। इस दौर के लोग गोरिल्ला जैसे दिखते थे, लेकिन प्यार और शांति के साथ मैं उनसे जान पहचान बढ़ाऊंगा। लेकिन वो लोग है कहाँ? अरे यहाँ कोई है भी या नहीं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। इस दौर के लोगों की संख्या बहुत कम थी, मेरे ख्याल से मैं गलत था, शायद मुझे वापस जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं वापस जा। अरे ये तो केव में रहने वाले इंसान है। क्या आप लोगों ने मेरी जान बचाई है? आपका शुक्रिया। अरे हाँ, ये तो प्राचीन लोग हैं, पत्थरों के बाद ये भी बोल नहीं सकते, मुझे इन्हें अपनी तरह बोलना सिखाना होगा। ये पत्थर है या इंसान है? अगर इंसानों की बात की जाए तो ये कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये इंसानी भाषा नहीं बोल सकता है, ये अजीब जीव है। ये बहुत ही अच्छे समय पर आया है, इसे रात का खाना बनाएंगे। रुकिए, अगर हम इसे खा लेंगे तो हम भी इसकी तरह बेवकूफ बन जाएंगे। मुझे नहीं पता ये लोग क्या बात कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है ये लोग मुझे अपना लेंगे। हंसके भी करे तो रहेगी किमी तो चो वो क्या खेल रहे रिश्ते आ गए रो बकन पेट तो नहीं सुनिया। ओए नंदा यो कुरे सुने रो है तो बुत जुकी दाना चान तो सेवा शिते कवाई गाते यारो जामास चोटो ओए कुरे मछली नहीं है जो तुम जैसा आलसी लड़का पकड़ पाएगा। ओए मिन्ना, ओ सुनेरु, इधर आ, मेज़रासी सरदाज़ा, पापा का कवर देखी रब देखी तंदा, मेज़रासी वा, अमरी काश को सो जाने ना, नाम का ये देखी नो का कोई इस, ओटे, नॉनी, ओटे दायो, उड़ा, यात्रा सागना यारु सो, जा उमावारी। ひょっとして芸をやらせようとしてるの？ふん、冗談じゃない。何もできないのか。ダメだな。お手、えらいえらい。よし、食べていくぞ。お、ふん、そんなの食べられるか。そうだ、じゃーん。どうだ、缶詰だぞ。食べたことないだろう。
僕にくれるの？え？芸をやれって言うんだな。ふん、誰がやるもんか。मुझे ये अजीब प्राणी नहीं चाहिए क्योंकि ये स्मार्ट नहीं है। मैं आगे जाकर राजा बनने वाला हूँ। मुझे सिर्फ अच्छे पेट चाहिए, समझे क्या? राजा तो सिर्फ मैं ही बनूंगा सुनेरू, मुझे ताकत में कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हारे पास सिर्फ शरीर की ताकत है, एक राजा बनने के लिए लगन, मेहनत और अच्छा दिखना भी चाहिए। क्या कहा तुमने? शांत हो जाओ। चमत्कार कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही, वो ब्लू रकून की तरह दिखता है। जो भी हो, हम खतरे से बच गए हैं, ये एक अच्छी बात है। हाँ, अगर वो हमारी मदद नहीं करता तो क्या हम उस राक्षस को हरा नहीं देते? हम उस राक्षस से बिल्कुल नहीं डरते, है ना? हाँ, मैं भी उस राक्षस
क्या तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है? बोलो, बताओ बताओ। है तो ठीक है, चलो चलते हैं। पर क्या? उस राक्षस को हराने। राक्षस को हराने? कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुमने कहा कि तुम डरते नहीं हो। नहीं नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा खतरनाक लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं। चिंता मत करो, क्या तुमने उसे देखा? वो राक्षस बहुत ही कमजोर लग रहा था। हम दोनों आसानी से उसे हरा सकते हैं। लेकिन, और अगर उस राक्षस को हमने हरा दिया तो हम भी चमत्कारी कहलाएंगे। ये बहुत मजेदार है, लेकिन तो ये तय हुआ। चले। अरे नहीं रुको, ये खतरनाक है। हम तुम्हारी तरह बिल्कुल भी डरपोक नहीं है, समझे पिता? मेरे साथ आओ। ये कुछ कह रही है क्या? हाँ। ये तो दिक्कत हो गई। ये बच्चे डिमन के वैली की तरफ गए हैं। हमें जाना होगा। ये तो गलत बात है। सिर्फ बच्चे वहाँ गए हैं। शोइंग ऑफ हैंड ग्रेनेड ने उसे सिर्फ चौंका दिया था, लाइटर साउंड की मदद से। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, वो बस कुछ देर के लिए सो गया था, लेकिन अब वो जाग गया होगा। उस तरफ
दोनों घर चले। अब हम दोस्त हैं। देखा डोरेमोन, आखिर हमने कर दिखाया। अब हो सकता है अपना दोस्त बनाने के बाद वो मुझे अपना राजा भी बना दे। क्या बात है। अच्छा ठीक है। क्या तुम्हें यकीन है? क्या सच में उस बंदर ने पंजा दिया? फिर मैं उसे अपना पेट की तरह रख सकता हूँ ना? खैर जो भी हो, वो तो बड़ा ही अजीब बंदर निकला। ये बहुत महंगा कप स्ट्रीमर से बड़ा काला सा कप जो फ्रांस में बना हुआ है। देखो मेरे कप स्ट्रीमर के बारे में क्या ख्याल है? सच बताना, जलन हो रही ना तुम्हें? क्या तुम्हें जलन हो रही है जियान? नहीं। ये हवा नहीं चल रही है। बगैर हवा के ये कैसे उड़ सकते हैं? ये कप स्ट्रीमर बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ये डैड की किसी लंबी कमीज की तरह लग रहा है। लंबी कमीज? फिर तो बेटा कप स्ट्रीमर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हें देखना है। सच में? हवा नहीं चल रही फिर भी। ये कूदा। शायद तुम्हें मुझसे जलन हो रही है सुनियो, क्योंकि कप स्ट्रीमर ऐसे होते हैं। तुम्हारे पास कुछ सीक्रेट है ना नोबिता? बताओ मुझे। कार्ड स्ट्रीमर इसे खाएगा तो भी दुरुस्त बन जाएगा। वो अच्छा। अरे ये तो ज्यादा हो जाएगा, 3 काफी है। क्या ये सच में मेरे कार्ड स्ट्रीमर है? ये तो बढ़िया लग रहे हैं। छोटे से कप स्ट्रीमर एंजॉय करना है, ठीक है? बड़ा काला कप स्ट्रीमर फ्रांस में बना है। मेरा कप स्ट्रीमर बड़ा है, ठीक है? खाओ खाओ और खाओ, खाते रहो। बड़ी अजीब बात है, पता नहीं वो विगर फीड कहाँ चला गया। मेरा फ्रेंच कप स्ट्रीमर। समझा, ये सब तुमने किया ना सुनियो? बिना बताए तुमने विगर फीड को हाथ कैसे लगाया? कुछ तो करो, वो कप स्ट्रीमर बहुत महंगा था, समझे? मुझे तो लगता है सुनियो तुमने बहुत ज्यादा खाना खिला दिया है। अब क्या करें? ये लो, वो कहाँ चले गए होंगे? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो वहाँ पर है। चलो कार्ड स्ट्रीमर को पकड़ते हैं। क्या हम सच में उन्हें पकड़ सकते हैं? मैंने पकड़ लिया। ये देखो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई दोस्त। बाय बाय। ये तो बहुत ही रहा है। अरे डोरेमोन, मेरी मदद करो। Yeah!
यही सही रहेगा। अगर तुम उन्हें बाहर रखोगे तो शायद वो भाग जाएंगे। कुछ समय के लिए तुम्हें घर के अंदर भी रखेंगे।